हुआ सर? देखिए, जनपद में जो साइबर थाना स्थापित हुआ है, जब से स्थापित हुआ है काफ़ी अच्छे इन्होंने वर्क्स किए हैं, और आज की जो पीसी की जा रही है इसमें कुल जनपद के जो 7 मामले हैं जिसमें कुल 6,70,624 रुपये की बरामदगी हुई है, इसके संबंध में आज पीसी की जा रही है। और इसमें आज जनपद के जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है वो 3 व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें एक रहमुल्ला खान जी हैं जिनके साथ 4,10,000 रुपये का फ्रॉड हुआ था। इनके द्वारा बताया गया था कि पैसा जो ट्रांसफ़र किया गया खाते में किसी कारणवश भूलवश जो खाते का जो 2 डिजिट होता है लास्ट का वो गलत हो गया, किसी और के खाते में चला गया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी समस्या हुई। बैंक से भी संपर्क किया लेकिन अल्टीमेटली जब ये साइबर थाना आए तो इनकी मदद हुई और इनकी कंप्लेन करने के 15 दिन के अंदर जो भी इनका अमाउंट 4,10,000 रुपये था पूरा अमाउंट इनको वापस इनके अकाउंट में मिल गया। दूसरे व्यक्ति हैं गंगाराम पुत्र राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने बताया कि एक झारखंड का कोई एक लेबर सप्लायर है जिससे इनका संपर्क हुआ था, इनकी 1,10,000 रुपये में बात हुई थी कि ये लेबर सप्लाई करेगा। लेबर जैसे ही आई इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया, लेकिन जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो फिर अपना लेबर लेकर चला गया, जिससे इनका कुल 1,10,000 रुपये का नुकसान हुआ। इन्होंने साइबर थाना को संपर्क किया, साइबर थाना के संपर्क में आने के बाद जो इनका अमाउंट था 1,10,000 उसमें से 81,587 रुपये इनको वापस साइबर थाना में दिलाए। तीसरे व्यक्ति हैं नीरज पांडे जी। इन्होंने बताया कि इनको एक 3 पत्ती कोई ऑनलाइन गेमिंग ऐप है जिसको खेलने की इनकी लत लग गई और इनको कहीं लगा कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा ये कमा लेंगे, जिसकी वजह से ये पैसा लगाते गए। इनके द्वारा बताया कि लगभग 12 से 13 लाख रुपये इनके द्वारा उस बेटिंग ऐप में लगाया गया। इनके बाद जब इनको लगा कि कहीं ना कहीं ये जो ऐप है इनके साथ फ्रॉड कर रही है और पैसा अल्टीमेटली इनका डूबता जा रहा है, तो इन्होंने फिर साइबर थाना को संपर्क किया। साइबर थाना